एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन कठुआ, जिला प्रशासन कठुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, जिला प्रशासन कठुआ, जिला प्रशासन कठुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जी मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं पंचायत मतापर वार्ड नंबर 3 से नुमाइंदा चुना हुआ पंच हूँ। समस्या क्या है? समस्या सर हमारी ये है, ये रोड जो आप देख रहे हैं जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आज से 20 साल पहले इस रोड की ब्लैक टॉपिंग हुई थी और उसके बाद आज तक इस रोड की किसी ने सुध नहीं ली है। हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर एप्लीकेशन माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब को विजिट के लिए दी थी और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मौके पर जाकर के हमारे लोगों की समस्याएं को सुने। सर डीसी साहब चेंज हो गए लेकिन आज तक हमारी समस्या को किसी ने ना तो सुना है और ना कोई किसी ने हल करने की कोशिश की है। आज हम इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं कि हम जो प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है, जो हमारी बात को जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम इस ये के रियल न्यूज चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं और इनके जहन में ये बात डालना चाहते हैं कि हमारे रोड की हालत को देखते हुए इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए और ताकि लोगों का जो है जो चलना है वो सुनिश्चित हो सके। आप देख रहे हैं कि हमारे जहां लोगों ने छोटी मोटी गाड़ियां रखी हैं, मोटरसाइकिल के हैं, इनका चलना भी जो है बहुत दुष्भर हुआ है। हमारे बच्चे यहां पे खेलते हैं, किसी का फ्रैक्चर होता है, किसी का कुछ होता है। कहने का मतलब यह है कि 20 साल तक हम अर्ज करते रहे हैं और आज एक छोटा सा जो प्रदर्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया गया है, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम मजबूर होंगे सड़कों पर उतरने के लिए और नेक्स्ट प्रदर्शन जो है वो हम माननीय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के आगे करने को मजबूर होंगे। मैं शुक्रगुजार हूं जेके रियल चैनल का जिन्होंने हमारे इसको आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं आगे ना कहता हुआ उम्मीद रखता हूं, मैं पूरे तहे दिल से ये उम्मीद रखता हूं कि जेके चैनल के माध्यम से ये हमारी जो मांग है ये जल्द से जल्द पूरी हो सके और हमारी जो समस्या है 20 सालों की जो समस्या है इसका जल्द से जल्द। मैं मुंडा परतों सिदेश कुमारी बोल रही हूँ, अही 3 नंबर वार्ड तो ते बच्चे साडे छोटे छोटे ने, ए कियां निकल सकदे ने, कियां चली सकदे ने, बच्चे ना निक्के निक्के ने, बच्चे ही मोटरसाइकिल लाई ते गड्डियां लाई ते दियां, ए दो पैर नहीं चली सकदे। देखो इस पहले निगाह मारो रोड च, कैसा रोड बनया, कैसा चलिया है, अज के अज तो कोई 20 साल पहले तो गल है। ए साडे सुन्ने साहब सरपंच साहब उन्हें बेचारा ए बनाया हा, जो हां लेइया ए कुदा साडी सुनाई नहीं कीती, पिंड पूरे लुक पेगी और भाई वध दा ही बेचारे कुछ बोल नहीं सकदे। असीं पूरे जिथे जाने तैयार है, साडे कारवाई होनी चाहीदी है। सड़क जेडे छोटे छोटे बच्चे ने इंदे बेचारे गोडे दा मास उगण नहीं दिंदे हन, जे 2 मिंट चलदे बच्चे पैर फिसलदा रोड डिगी जांदे और उल्टा इथे पानी दी सानू तपस्या, इन्ना पानी दी सानू इन्नी तंगी है, कोई हिसाब नहीं, बत्ती दी सानू तंगी है, हर एक गल्ला दी तंगी है सानू। ते इस सिड़का च इन्नी अहीं दो हाथ बन्नीए रज कर सकने आ, भला भी ये भाई सिड़क साडी है जेहड़ी बनानी चाहीदी, पूरे जिधर देखने आ उधर रोड बने दा, बच्चे सारे जंदे निकलदे, साडे बच्चे बेचारे पैदल नहीं चल सकदे इथे,
पैरे रोड लगते चप्पल महीना नहीं चल सकते जिन्हें ध्याड़ी लाइए रोटी खानी उन्हें बेचारा किन्निया तैयार करनी चप्पल कुत्थों करने इन्हें कपड़ा टला जेड़े गोडे जो झट कोई सिर फाड़ा दा कोई लत्ता टुटा दियां कोई बाहां टुटा दियां छोटे छोटे बच्चे ने जेड़े कियां चली सकदे नो असि तो फिर बेचारे सियाने होदे 50-60 साल दे पे आ जे कोई बारिश लगी होवे लंघण होवे तां बस पैर रखना किते तां पौंदा किते फिर भी ओह हिसाब वाला भी जे कुतै साढ़े बारे च चलो साड़ी तो उम्र हो गई है पर अग्गे छोटे छोटे बच्चे दे बारे सोचो कुछ भला भी नारा करी सको बड़ी मेहरबानी थोड़ी जिथो तकर भाई साढ़े सरपंच साहब मेंबर साहब जेडे चले मेंबर जिथो तकर चलगन उथो तकर इंदे कन्नै पूरा बच्चे छोटे छोटे बच्चे चल पे रोड ब्लॉक करने तैयार हो जाना असें।